जयपुर में अपने फूड टूर को आगे कंटिन्यू करते हुए एक बहुत अच्छी लोकेशन पे मैं आपको ले आया हूँ। पहले आप लोकेशन देखिए मेरे सामने है क्या। सो दिस इज हवा महल जो इस टाइम आप देख रहे हैं, और हवा महल के ठीक सामने मैं इस टाइम हूँ एंड दिस इज कॉल्ड अ विंड व्यू कैफे। विंड व्यू मीन्स यहाँ पर जो बताया गया है, विंड का मतलब हवा, और हवा को आप देख सकते हैं यानी कि हवा महल को आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो कैफेज हैं, वन इज़ टैटू कैफ़े एंड वन इज़ विंड व्यू कैफ़े। मैं फ़िलहाल हूँ विंड व्यू कैफ़े में और मैंने यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर किया है वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर खाने के साथ आप मज़ा लेते हैं यहाँ पे व्यूज़ का, ख़ास तौर पे हवा महल का। और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे, हवा महल के ठीक पीछे ये सिटी पैलेस, उसके पीछे आप पहाड़ जो देख रहे हैं उसके ऊपर फोर्ट्स हैं जो जयपुर के मेन फोर्ट्स हैं। सो इट्स एंटायरली यू आर व्यूइंग लिटरली दी एंटायर जयपुर फ्रॉम दिस प्लेस। नीचे इसके ठीक मार्केट है, अगर आप देखते हैं तो आप शॉप कीजिए, हवा महल को देखिए, सिटी पहल पैलेस को आप विज़िट कीजिए और उसके बाद आ जाइए यहाँ पे विंड व्यू कैफ़े में, इंजॉय कीजिए इनका खाना। खाना कैसा है चलिए देखते हैं। तो फूड भी तैयार है, दिस इज़ अ मैक्सिकन सैंडविच ओवर हियर जो आप देख सकते हैं। अगेन आप देखेंगे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज़ इन इट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स जिसमें टमाटर है, आई कैन सी कैप्सिकम, देयर इज़ चीज़ और कुछ हर फ्लेवर्स भी इसमें मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सेकंड चीज़ मैंने मंगाई है, दैट इज़ अ गार्लिक ब्रेड, बिल्कुल ही टेंडर है ये, और सिलेंट्रो है इसके ऊपर, गार्लिक की सीजनिंग है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज़, हैव अ लुक। तो इन चीज़ों का जो मज़ा आप लेते हैं, लेट मी टेस्ट एंड टेल यू, गरम गरम बिल्कुल सॉफ्ट, मेरी फेवरेट डिश है ये, और व्यू के साथ खाने का मज़ा अलग ही होता है। आपको मैं सैंडविच भी टेस्ट करके बता देता हूँ। सो हियर इज़ अ मैक्सिकन सैंडविच, अमेजिंग। तो इसमें आप देख रहे हैं ब्राउन ब्रेड है, परफेक्टली टोस्टेड है ये, फ्लेवर इसका वन ऑफ द बेस्ट मैक्सिकन सैंडविचेज आई एवर हैड, बहुत बढ़िया है। व्यू के लिए तो यहाँ पे आप आइए आइए, टेस्ट भी यहाँ का बहुत ही अमेजिंग है। सुबह से हम लोगों ने अभी आपके लिए सिटी पैलेस कवर किया है, अब भूख का टाइम है, बहुत तगड़ी मुझे भूख लगी पड़ी है। सो लेट मी एंजॉय माय सैंडविचेस, एक मैंने पिज़्ज़ा और ऑर्डर किया हुआ है, जो जैसे ही आता है उसका भी आपको व्यू दिखाता हूँ। तब तक हवा महल के साथ सैंडविचेस। हवा महल बेसिकली आप सामने देखिए, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, फोर स्टोरीज हैं यहाँ पे मौजूद, और इसमें तकरीबन जो विंडोज़ है हवा महल के अंदर 953 विंडोज़ बनाई गई थी, और बेसिक उसका जो पर्पस था वो ये था कि जो रानी हैं, क्योंकि इनिशियली कंजर्वेटिव टाइम में ये सब चीज़ें हुआ करती थी कि रानी को बाहर ज़्यादा देखने की ओपनली इजाज़त नहीं थी, तो उनके लिए ये विंडोज़ बनाई गई थी, झरोखे बनाए गए थे ताकि वो बाहर का नज़ारा ले सकें। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच दिस हवा महल वॉज मेड। सेकेंडली आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें देखिए, ये कृष्ण जो जयपुर के महाराजा थे उस टाइम पे, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो आप अगर इसकी शेप देखेंगे तो कृष्ण जी के मुकुट की तरह बनाया गया है ये बेसिकली। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डेडिकेशन टूवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, जो इसके बनाने के पीछे मकसद था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें ऊपर तक जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे आप देख रहे हैं लोग फ़ोटोज़ भी खींच रहे हैं, वहाँ पे आप टॉप पे जाके फ़ोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं, और मार्केट का मज़ा तो आप नीचे उतर के ले ही सकते हैं। तकरीबन एक आध घंटा इसको मैक्सिमम आपको देखने में लगेगा। अगेन यू हैव टू वॉक अप स्टेयर्स, सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कि आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और जब भी यहाँ पे आए इस जगह को भी आप ज़रूर देखिए। तो विंड व्यू कैफ़े में मेरा नेक्स्ट ऑर्डर आ चुका है, विच इज़ अ वाइट सॉस पास्ता। मेरे फूड टूर्स में आप थोड़ा पास्ता और पिज़्ज़ा इसलिए देखते हैं बिकॉज ऑफ हर बेसिकली, तो व्हेन शी हैज इट तो हमको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। और मेरी फेवरेट भी आ चुकी है, विच इज़ अ पीच टी, आइस टी, पीच आइस टी। थोड़ा इससे भी मैं टेस्ट बताता हूँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दिस इज अ मस्ट ट्राई, यहाँ पे आप ज़रूर ये लें पीच टी। और थोड़ा सा मैं आपको पास्ता का भी टेस्ट बता देता हूँ, हाउ एग्जैक्टली इट इज़। पहले इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, दिस इज़ ब्रोकली, देयर इज़ रेड कैप्सिकम, ऑलिव्स, ब्लैक एलोपिनोस, और साथ में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज़ इन इट। गुड, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं हैं,
और थोड़ा सा इस काइंड ऑफ ब्लेंड, थोड़ा अगर आप इसमें चाहें तो अपनी सीजनिंग डाल सकते हैं, थोड़े मसाले तेज़ करा सकते हैं। सो टूरिस्ट के लिए, फॉरनर्स के लिए परफेक्ट। पिज़्ज़ा भी मैंने मंगाया, दिस इज़ अ कैप्सिकम पिज़्ज़ा, सो लेट्स सी हाउ इट इज़, कैप्सिकम ओनियन पिज़्ज़ा। तो अगेन उतनी स्पाइसीज नहीं है इसमें, दोनों ही टिपिकल, मैं समझ पा रहा हूँ कि इनको बनाया गया थोड़े फॉरनर्स के हिसाब से। वो कुछ फॉरनर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मसाला या स्पाइसेस नहीं पसंद करते हैं, उनको सूट नहीं करते हैं। यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट हैं यहाँ पे, उनके हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, यहाँ पे इंडियन फूड भी है, तो आप चाहें तो इंडियन फूड जैसे कि पराठा वगैरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मैंने भी ऑर्डर किया था बट इनके पास अभी आटा तैयार नहीं था, आप चाहें तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं, पकौड़ा वगैरह। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें कॉन्टीनेंटल या इटालियन फूड ही है, इंडियन फूड भी यहाँ पे ऑप्टिमली यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंडियन फूड भी आप चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं हवा महल को विद विंड व्यू कैफे। तो फाइनली टाइम है विंड व्यू कैफे के रिजल्ट का। मैं इसे दूंगा मस्ट ईट। जी हाँ, अगर आप अच्छा व्यू चाहते हैं एक अच्छे खाने के साथ तो आप यहाँ पे जरूर आइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले ट्रेवल, फूड एंड शॉपिंग वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। तो जल्दी मिलता हूँ एक हवा महल के डेडिकेटेड एपिसोड के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।